नमस्कार। देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल इंदौर में पूजा सिन्हा जी एडमिट हुई हैं। ये झारखंड से हैं और इनको बोन मेटास्टेटिस है। ये कैंसर इनको जब डायग्नोस हुआ और डायग्नोस होने के बाद इनको रेडिएशन के बारे में बताया गया, इन्होंने रेडिएशन भी लिए, लेकिन पूजा जी को इतनी ज़्यादा तकलीफ थी, ये मूवमेंट नहीं कर पा रही थी, पेन बहुत ज़्यादा था और दर्द इतना ज़्यादा था कि ये चलने में भी असमर्थ थी। इन्होंने रेडिएशन बंद किए, ऐसा इनके हस्बैंड ने मुझे बताया। अब हमने इनको 7 दिन का अपना इलेक्ट्रोहोम्योपैथी ट्रीटमेंट दिया है। 7 दिन के ट्रीटमेंट के बाद पूजा देवी खुद क्या महसूस कर रही हैं वो खुद बताएंगी। जी को बहुत अच्छा लग रहा है थेरेपी। नहीं नहीं, आपको तकलीफ क्या थी? पहले से बहुत राहत। क्या तकलीफ? तकलीफ मेरे को पेन बहुत थी, चलने में भी बहुत पेन होती थी, कमर में भी बहुत पेन होती थी। अभी मैंने देखा आपको कि बाथरूम से आप सीधे चल के अपने बेड तक आई, आपको कोई सहारे की जरूरत नहीं पड़ी, आप नॉर्मल चल पाई। पहले तो मैं बाथरूम भी सहारे के बिना नहीं चल पाती थी। जी, आपके साथ आपके हस्बैंड भी आए हैं, ये बताएंगे, क्योंकि आपने तकलीफ सही है और उन्होंने भी वो दर्द नहीं सहा, पर वो सब चीज़ें वो भी सहन करा है उन्होंने। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हर्ष कुमार सिंह हुआ। जी, अब मैं झारखंड बोकारो से हूँ। जी, सबसे पहले तो मैं देवी अहिल्या के सारे डॉक्टर और स्टाफ मेंबर को थैंकफुल हूँ। जी, क्योंकि मैं ट्रीटमेंट तो मैं बेलोर में भी करवाया। जी, लेकिन बेलोर में मुझे बोला गया कि इनका दर्द जो है बहुत ज़्यादा है, इसलिए रेडिएशन देने से 3 रेडिएशन में इनका 60-70% दर्द में कमी आ जाएगी। जी, लेकिन मैंने 9 रेडिएशन लिया, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। जी, उसके बाद वो लोग कीमो के लिए मुझे सजेस्ट किए, जब मैं बोला कि मैं कीमो नहीं लूँगा क्योंकि इनकी दर्द में कोई भी 1% का भी डिफरेंस नहीं आया। जो दर्द मैं लेके गया था इनका, सेम एज इट इज वैसे ही था। जी, पहले इनको अगर लेटी हुई बेड पे रहती थी तो उठती थी उस समय इनको इतना पेनफुल होता था कि इनका दर्द देख के हम लोग का आंसू आ जाता था। जी, तो मुझसे रहा नहीं गया, फिर मैं इधर कुछ दिन ट्रीटमेंट करवाया बाहर में आयुर्वेद का, लेकिन उससे भी पूरी तरह से मतलब मुझे दर्द में इनका राहत नहीं मिला। तब मेरे एक फ्रेंड हैं, उसी ने बताया कि आप इंदौर चले जाइए, देवी अहिल्या हॉस्पिटल है, वहाँ कई पेशेंट गए हैं तो उनका अच्छा हुआ। लेकिन मैं आया था तो मैं रियली बोल रहा हूँ कि मैं हॉस्पिटल जब देखा तो मैं सोचा कि कहाँ आ गया हूँ, लेकिन जो यहाँ एडमिट हुआ फिर सोचे आ गए हैं तो अब एडमिट होते हैं। जी, तो 2-3 दिन में मुझे इनकी जो दर्द में है 10-15% राहत नजर आने लगी। जी, तो मैं सोचा 3 दिन में जब इतना फर्क है तो 7 दिन में तो और होना चाहिए। जी, तो 7 दिन के बाद आज मेरा पेशेंट कम से कम बिना सहारे के जी चल फिर रही है। जी, उठने बैठने में कोई दर्द नहीं हो रहा है। जी, और यहाँ आने के बाद इनका कम से कम चेहरे पे पहले जो मैं मुस्कान नहीं देखता था वो अब मैं देख पा रहा हूँ। जी, इसलिए मैं देवी अहिल्या हॉस्पिटल के फिर अगेन मैं बहुत थैंकफुल हूँ, क्योंकि यहाँ आने के बाद मुझे बहुत राहत मिली है, बहुत ज़्यादा। जी, पूजा जी, आप भी एक योद्धा की तरह हैं। ये डिसीज जरूर भयानक है ऐसा बोलते हैं, पर ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका कोई इलाज नहीं है। इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, इससे लड़ने की ज़रूरत है, इसके लिए हिम्मत की ज़रूरत है, और वो हिम्मत आपके अंदर है। मैं बहुत डट के सामना की हूँ। बिल्कुल, आपको डट के सामना ही करना है। और तो हम दर्द मैंने सही हूँ कभी भी नहीं भूल सकते। जी जी, समझ सकते हैं हम कि कितना दर्द आपको था, क्योंकि हमारे पास जब बोन मेटास्टेटिस के पेशेंट आते हैं तो हमने वो दर्द हमने भी महसूस किया है। हमारा पेशेंट जब दर्द में होता है तो वो दर्द हम भी महसूस करते हैं, और वही दर्द को महसूस करते हुए हम ट्रीटमेंट भी करते हैं। जब आप स्माइल करते हैं और बोलते हैं कि नहीं मैडम आज दर्द नहीं है, आज मैं ठीक लग रहा है, तो हमें लगता है कि नहीं हमने एक जंग जीत ली। तो आप ही के वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि कोई भी इस तरह का पेशेंट है जो कीमो रेडिएशन से थक गए हैं, वो देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल में ज़रूर आएँ। धन्यवाद।
इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन, इसका बहुत प्रयोग सुना है कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, किस तरीके से काम करती है ये मेडिसिन और कितना असर होता है इसका? इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन ये हर्बल प्लांट बेस्ड मेडिसिन है और ये प्लांट का हम लोग एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, ये एनर्जी बेस्ड साइंस है और सनरेज की उपस्थिति के अंदर जो प्लांट्स अपना जो न्यूट्रिशन जो अपनी ज़मीन से लेके अपने भोजन के रूप में एकत्रित होती है उसको हम फर्मेंटेशन मेथड से एक्सट्रैक्ट निकाल के और फिर उसको हम इतना प्यूरीफाई करते हैं कि उसके अल्कोलाइट्स, उसके केमिकल्स, उसके पॉइजन सब निकल जाते हैं और मेडिसिन को हम देते हैं। तो ये मेडिसिन जो है ये हमारे ब्लड और लिम्फ को प्यूरीफाई करने का काम करती है और ब्लड और लिम्फ यदि प्यूरीफाई हो जाता है तो कोई भी डिसीज ठीक हो सकती है। और कैंसर के अंदर हम देखते हैं कि मुख्य रूप से हमारा जो लिम्फ होता है, जो लिम्फेटिक सिस्टम है जिसमें बहुत सारी लिम्फ नोड्स होती हैं, उसी के अंदर लीजन या उसी में गांठ बन जाती है, नोड्स बन जाती है और वही है कैंसर का सबसे मुख्य कारण होता है। तो हमारी ये मेडिसिन उस चीज़ों को, ब्लड और लिम्फ को हम यदि प्यूरीफाई कर देंगे तो कैंसर को ठीक करती है। हमारे यहाँ मैक्सिमम जो पेशेंट आते हैं वो बड़े बड़े हॉस्पिटल से, टाटा से, एम से, वो अपना इलाज ले चुके होते हैं, यानी सर्जरी हो जाती है, कीमो हो जाती है, रेडिएशन जाता है। एक स्टेज ऐसी आती है कि जब पेन डेवलप हो जाता है तो पेन का अभी तक वर्ल्ड में कोई इलाज नहीं है और पेशेंट को मॉर्फिन पे ले लेते हैं। हमारे यहाँ पेशेंट आते हैं, हम उनकी मॉर्फिन को टोटल बंद कर देते हैं और कुछ ही घंटों के अंदर उसका पेन को 50-60-70-80% तक उसको रिलीव करते हैं। और जब पेशेंट 7 दिनों डिस्चार्ज होकर जाता है तो पेनलेस जाता है। तो ये एक हमारी इलाज की सबसे बड़ी स्पेशलिटी है कि हमारा जो ट्रीटमेंट है बिना कीमो, बिना रेडिएशन और कैसा भी पेन हो, कैसा भी इन्फेक्शन हो, ब्लीडिंग हो, पस फॉर्मेशन हो, सब चीज को ये ठीक करती है। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय हार्डिया जी। सर स्वागत है डॉक्टर अजय हार्डिया, वरिष्ठ कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर अजय हार्डिया। आपकी तालियों के साथ में मैं इस मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा देवी अहिल्या कैंसर अस्पताल से डॉक्टर अजय हार्डिया जी। डायरेक्टर सर को हमारे साथ जुड़ रहे हैं मशहूर कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय हार्डिया। डॉक्टर अजय, शो में बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ में है जाने माने कैंसर चिकित्सक डॉक्टर अजय हार्डिया। सर स्वागत है आपका हमारे शो में। और एक ऐसे चिकित्सक हमारे साथ हैं डॉक्टर अजय हार्डिया, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई है। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त एक ऐसे ही शख्स जो सफल हैं और सही मायने में नायकत्व के हकदार हैं, डॉक्टर अजय हार्डिया जो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं और देवी अहिल्या हॉस्पिटल के रिसर्च सेंटर के चेयरपर्सन। डॉक्टर साहब बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं डॉक्टर अजय हार्डिया जी। डॉक्टर अजय हार्डिया जी, सबसे पहले सलाम इंडिया के मंच से मैं आपको सलाम करता हूं और आपका स्वागत करता हूं।